हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। एंड गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 1 वीक हो चुके हैं एंड पावर स्टार पवन सिंह का कोई भी न्यू सॉन्ग नहीं आया है। गाइस, आप सभी को तो पता होगा कि पावर स्टार पवन सिंह ने अपने सिंदरा डाले से पहले इवेंट में सोम्या पोखरेल को बोला था कि उनके साथ वो एक सॉन्ग करेंगे और वो सॉन्ग आने वाला था, बट उस सॉन्ग को अब वो सॉन्ग अब नहीं आ रहा है। आप सभी को पता है, जितने भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस हैं, कि सॉन्ग क्यों नहीं आ रहा है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सो इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सभी को मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। लेट्स गो। आने वाला था इन दोनों लोगों का गाना, लेकिन लास्ट टाइम पे पवन सिंह का मूड घूमा और पवन सिंह ने मोदी जी के स्टाइल में कहा, लवड़े न भोजन, मतलब धोबी का कुत्ता बना दिया, न खेसारी का न पवन का। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। लेकिन इन सब को देख के सोम्या पोखरेल कैसे पीछे रह सकती हैं? पता है, इनके नजर में चंदन चंचल बड़े सुपरस्टार हैं और पवन सिंह की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बात है। एक्चुअली ना, इंस्टाग्राम का एक फीचर होता है जिसमें आपको जो सबसे बेस्ट पोस्ट लगे उसको इस तरीके से ऊपर में पिन कर सकते हैं, जिसमें पिन कर सकते हैं। हांजी, हांजी। चंदन चंचल, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पेंडिंग। लेकिन जो कुछ भी हो, हमको बुरा तो धोबी के कुत्ता के लिए लग रहा है, जो ना घर की रही ना घाट की। मतलब अब तो खेसारी लाल यादव का टीम प्लस खेसारी लाल यादव काम देने से रहे। और पवन सिंह की टीम में एक कुतवा को छोड़ दिया जाए तो हमको नहीं लगता उसके अलावा सोम्या पोखरेल को और कोई काम देगा। मतलब पवन सिंह वहां लाके खड़ा कर दिए जहां पे सोम्या पोखरेल के सामने बस एक ही ऑप्शन बचता है, जाके पोखरा में मछली मारना। पार्टनर, मछली पकड़ना भी एक कला है। अच्छा, सबको नहीं पता है बाबू। लेकिन इन सारे मामले को 360 डिग्री घुमा दीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में आज किस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये वीडियो तो याद ही होगा, आज कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव पे हम मजाक नहीं बनाने वाले हैं, आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। जी हाँ, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पवन सिंह का फैन पेज। इनका बस एक ही काम, कैसे बने पवन सिंह का नाम। मतलब पवन सिंह के बारे में कोई इंटरव्यू से लेके कहीं भी कोई टिप्पणी करके देखे, एकदम पेल के रेल बना देते हैं ये लोग। इतना ही नहीं, पवन सिंह का इतना सारा डायलॉग फेमस है और घंटों के लाइव वीडियो में से छोटा सा वीडियो को काट के किस तरीके से वायरल कराना है, इन्हीं लोगों का था काम है। झमकावला से हुई। अब दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो और लोग वीडियो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, लेकिन फैन पेज वालों को तो पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी पवन सिंह को कोई बोल के तो दिखा दे, लगाना एक नमूना में से तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। और दोस्तों, अचानक हमने इस वीडियो में फैन पेज का चर्चा इसलिए किया ना, क्योंकि फैन पेज वाले लोग जो है ना, वो मेरे पूरे इंस्टाग्राम को भर के रख दिए हैं। मतलब आप देख सकते हैं छोटे 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 टुकड़ों में किस तरीके से लोग मेंशन कर रहे हैं कि हमको भी सम्मान चाहिए। मतलब पवन सिंह इस लड़की को काम दे सकते हैं, पवन सिंह वैसे वैसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग पवन सिंह को दिन रात गालियां देते हैं, तो हम लोग तो पवन सिंह के सपोर्ट में काम करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सपोर्ट चाहिए, हमको पवन सिंह से एक बार मिलना है, ऐसा लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब जैसे ये सब चीज हमारे नजर में आया, हमने कहा बे यार, पवन सिंह फैन पेज से मिलेंगे, मतलब लाखों हजारों में फैन पेज होगा उससे मिलेंगे। और हमने कहा बे ये सब मजाक है, लेवल लेवल का फर्क है यार, पवन सिंह से थोड़े मिलने जाएंगे। लेकिन फिर हमारे सामने आया बॉलीवुड किंग खान एसआरके का फैन पेज, और भाई साहब क्या रिस्पेक्ट मिलता उन लोगों को। अगर आप मुझसे सब कुछ भी वापस छीन लो, मुझे जो प्यार मिला है वो आप मुझसे नहीं छीन सकते। और इन सब वजहों से फैन पेज वाले क्या सुपरस्टार के लिए धमाल कर जाते हैं। मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट क्या सुपरस्टार अपने फैन पेज को देते हैं,
फिल्म आने से पहले ही पूरा फिल्म का स्लॉट बुक कर जाते स्लॉट हैं और बुक हो जाता है, सही है। के सामने है। इतना ही नहीं, इतना ज्यादा हॉल के बाहर नाच गाना टी शर्ट के खावी जावी सब देख रहे हैं ना, ये सब फैन पेज का ही कारनामा है। ये हमारे जैसे लोग या फिर रील बनाने वाले लोग जो आप समझते हैं कि हमारे गाने का प्रमोशन कर देंगे, फिल्म का प्रमोशन कर देंगे, वो लोग नहीं करते हैं। ये लोग फैन पेज वाले करते हैं जो आपके ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रहते हैं लाखों हजारों की संख्या में, और वो लोग इस तरीके का धमाका कर जाते हैं। कुछ कीजिए, सुनते हैं आप, कुछ कीजिए। और ये सब प्रमोशन का झकास तरीका भोजपुरी वाले कहां सीखते हैं? इनको तो बस उनसे इंटरव्यू करना है और उनका सपोर्ट करना है जो इनको दिन रात रेलते हो। और ये पवन सिंह का ही बात नहीं है, नाउ प्रेजेंटिंग खेसारी लाल यादव। तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं, उसके लिए दो चार पांच दस बीस पच्चीस लाख रुपया खर्चा कर दे बाबू। अच्छा। और पवन सिंह वाला मुद्दा तो आपके खून में रग रग तरीके से बैठ गया होगा, क्योंकि कारनामा ही ऐसा किया था। क्या बात है भाई? दोस्तों ये सच है और फैक्ट है कि फैन पेज का जो प्यार होता है ना अपने सुपरस्टार के लिए, वो एकदम प्योर लव होता है। उसको अपना चेहरा भी नहीं चमकाना होता है, उसको पैसा भी नहीं कमाना होता है, उसके तो दिल में एक ही चीज का ललक होता है कि हमारे सुपरस्टार को कोई बोल दिया तो उसको करारा जवाब देंगे। और इसलिए खेसारी लाल यादव के फैन ऐसे हरकत करते हैं। और ये देख के जब पवन सिंह के फैन को बुरा लगता है तो पवन सिंह के फैन भी इस तरीके का कारनामा कर जाते हैं। कोई बेरहरी में धरा रील उतारा जानते नहीं यार, बोइन छे तो माहौल बनाई ले बड़ू। तो जाते जाते तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, नेक्स्ट सम्मान फैन पेज के नाम। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो गाइस, अपने सुपरस्टार्स के लिए जो फैंस की दीवानगी है, जो जुनून है, उसको उसका अंदाज़ा लगाना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई कीमत है। उसके मतलब फैंस के लिए जो कुछ भी है वो दिल से है, चाहे वो सपोर्ट हो, रिस्पेक्ट हो या लव हो। तो गाइस, जो डिसीज़न लिया है पावर स्टार पवन सिंह ने अपने फैंस के फेवर में, उससे उनकी और भी ज़्यादा इमेज बढ़ जाएगी अपने फैंस के बीच में। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यार जो फैंस आपको दीवानों की तरह प्यार करते हैं, उनके लिए इतना तो बनता है। और सही डिसीज़न लेना एक सुपरस्टार का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। सो सोम्या पुखरायल जी ने जो भी किया, उसका उनको सजा गुनाह जो भी है वो मिल चुका है। और अगर इन फ्यूचर में वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो अभी भी समय है, सुधर जाएं। सो गाइस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लव यू ऑल।